क्या बात है भाई। और अब जाएगा ये तंदूर के अंदर। अजीब बात। तो इस टाइम हम उदयपुर में एक ऐसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे मिलता है एक ऐसा पिज्जा जो आपने आज से पहले शायद ही कभी देखा हो और खाया भी नहीं होगा। ये बेसिकली बाहर का कॉन्सेप्ट है। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? साहिल मोहम्मद नाम है। तो कौन सा पिज्जा बनाते हैं आप जो सबसे अलग है, जो बाहर का पिज्जा बताते हैं? भैया यहाँ अपने फिंगर से बनता है पिज्जा। हाँ, और पूरा लाइव रहता है, बेस वगैरह और वुड फायर रहता है। वुड फायर में बनता है। ये जो बैटर होता है एक बार दिखाएंगे जरा भैया। ये इसमें क्या आपने कुछ स्पाइसेस भी मिला रखे हैं? हाँ सर, इसमें ओरिगेनो। हाँ, और ईस्ट। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ पहली बार। मल्टी ग्रेन आटा जनरली लोग मिलाते नहीं है ना। हाँ, नहीं, नहीं। तो इससे टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। मेन टेस्ट यही है इसका। चलो जी, बनाना शुरू करो भाई। मेन टेस्ट यही है, इन्होंने बता दिया है यहाँ पे। और जी, बेलना स्टार्ट हो गया। कितने इंच का रहता है ये पिज्जा? 9 इंच का रहता है भैया। 9 इंच का। हाँ भाई, पिज्जा यहाँ पे बनने जा रहा है और मेरे ख्याल ये थिन क्रस्ट होगा ना। हाँ सर, थिन क्रस्ट। बहुत जबरदस्त भाई, ये देखिए आप, एकदम गोल कर दिया है इन्होंने। और जो इन्होंने स्पाइसेस भी डाले हुए हैं, क्या क्या? ओरिगेनो वगैरह है ना, चिली फ्लेक्स। ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स और ईस्ट वगैरह, ईस्ट वगैरह सब डाला हुआ है। yes, जो कि नजर भी आ रहा है आप, मैं पास से अगर दिखाऊं आपको तो आप चेक कर सकते हैं। साथ में ये पिज्जा भी कुछ अलग होने वाला है। अच्छा, ये कट किस लिए? फूले ना, पिज्जा सॉस। ये आ गई जी पिज्जा सॉस। आप चेक करो भाई, पिज्जा सॉस भी अलग है। लोगों की बहुत गाड़ी होती है, आपकी इतनी पतली क्यों है? ये सर हम खुद बनाते करते हैं, अपनी बनाते हो। हाँ, तो इसका भी बढ़िया ही टेस्ट आएगा। मेन तो टेस्ट है सॉस वगैरह, सॉस से ही मेन टेस्ट। हाँ, आता है। पिज्जा सॉस अच्छी होनी चाहिए, तो वही रहना चाहिए ना सर। इसमें गार्लिक वगैरह सब होता होगा। हाँ, सब मिक्स में इसमें। बहुत बढ़िया। तो भाई हम बता दूं, ये वेजी डिलाइट है ना, कौन सा? वेजी गार्डन। वेजी गार्डन। साथ में आ गई अनियंस। अब ये क्या है? कैप्सिकम। हाँ, यस सर। अब ये टमाटोज। यस सर। ये मम्बा सॉस है। मम्बा सॉस, स्पेशल मम्बा सॉस हमारे भाई। मम्बा सॉस आ चुकी है। क्या होता है सॉस में खास, मम्बा नाम क्यों है इसका? ये हमारा सर सारे फ्लेवर घर पे बनते हैं और ये मेन टेस्ट इसका है। मेन अच्छा, स्पेशल सॉस है हमारे। स्पेशल सॉस है। तो भाई मम्बा सॉस जा चुकी है, मैं भी खा के देखूंगा। मैंने भी कभी ट्राई नहीं करी है मम्बा सॉस। ये क्या है? ये पेरी पेरी पाउडर। पेरी पेरी पाउडर, ग्राइंड पेपर और ये मिक्स है इसमें। भाई कुछ अलग ही होने वाला है मामला। ऐसा पिज्जा मैंने नहीं देखा पहले बनते हुए। ये क्या है? चीज है, अमूल चीज। मोज़रेला, अमूल मोज़रेला जो वो ब्लेंड वाली। तो भाई जो अपना चीज भी यहाँ पे रेडी हो चुका है, भैया ने पूरा अच्छी तरह क्रश कर लिया है। इसमें ये जो मेयोनीज तो नहीं डालते आप? नहीं भैया, मेयोनीज नहीं आता। मेयोनीज नहीं डालते भाई। चीज भी बढ़िया से यहाँ पे डल चुका है काफी सारा। अब और कुछ भी जाएगा। ये क्या चीज है? ये मशरूम है। मशरूम। ये आगे जी मशरूम, साथ में ये रेड पेपरिका। रेड पेपरिका। ओलिव्स। ओलिव्स आ गए। और ये क्या है? ये जलोपिनो। जलोपिनो होता है? जलोपिनो। हाँ। भाई पिज्जा जो है अपना ऑल पनीर रहेगा। अच्छा, अभी पनीर रह गया है। पनीर आएगा ना? पनीर भी आएगा। तो भाई काफी इंटरेस्टिंग पिज्जा है, काफी सारी चीजें इसमें डलने जा रही हैं और ऊपर से छोटे छोटे पनीर के क्यूब्स भी जाने वाले हैं इसमें। ये आ गया जी अपना पनीर। बहुत जबरदस्त। अब हो गया तैयारी है, अभी तंदूरी सॉस पड़ेगा इसको। अच्छा, अभी और जाएगी तंदूरी सॉस भी जाएगी? तंदूरी पनीर है ना, पनीर तंदूर में जाएगा। हाँ हाँ, तंदूरी सॉस पड़ेगा।
ये तंदूरी सॉस भाई, ये है इनका तंदूर, आपको दिखा देता हूँ मैं अंदर। देखो भाई आप, मामला गर्मा गर्म हो चुका है एकदम पूरा भाई, गर्मा गर्म एकदम। और ये ब्रिक्स से बनाया भी आपने, ईंटों से बनाया है। और भाई इसको सेट कर रहे हैं ये बढ़िया से, फूक मार के राग वाग हटा रहे हैं। भाई ये देखिए, ये इनका औजार है जिससे पिज्जा इसमें डालेंगे। भैया पहले इसको गर्म कर रहे हो? हाँ वो भैया जो धोते हैं ना, हाँ रहता है तो बेस्ट चिपक जाता है, ये गर्म करोगे तो सही रहता है, तो फिर क्या गर्म से एकदम उतर जाता है। ये बात है भाई, तो नहीं करते बाकी क्या है ना, धोया है अभी तो। हाँ हाँ हाँ, तो भाई अब होने वाला है मेन कमाल। आप देखिए ये आ गया है अपना पिज्जा, क्या बात है भाई। और अब जाएगा ये तंदूर के अंदर, ये देखिए बहुत बढ़िया। कितनी देर लगेगी अभी से? 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट, 5 मिनट बाद फिर देखते हैं मामला। तो भाई काफी देर हो चुकी है, पिज्जा को ये जो है थोड़ा सा घुमाते रहते हैं जिससे कि चारों तरफ से बढ़िया सा सिक जाए। और खुशबू इतनी ज्यादा जबरदस्त आ रही है ना, साइड में देखो धीमी धीमी आग जल रही है और इस साइड रखा है पिज्जा। तो भैया कितने सालों से बना रहे हो आप ये पिज्जा? मैं भैया 5-6 साल से बना रहा हूँ यार। 5-6 साल हो गए हैं, कैसा रिस्पांस है उदयपुर में? बढ़िया है, अभी तो यार बढ़िया है, लोग बड़े बड़े ब्रांड्स छोड़ के यहाँ आते हैं। हाँ सब आते हैं, पिज्जा डोमिनोज छोड़ के यहाँ पे आते हैं, शाम को भीड़ ही पड़ती है। भीड़ पड़ती है क्या बोलते हैं, उससे बेटर है भीड़ स्टार्ट होगी। और भाई यहाँ पे भीड़ धीरे धीरे भीड़ आने लगी है और काफी लोग यहाँ पे खड़े हैं जो इंतजार में खड़े हैं पिज्जा के, तो इनको भी बना के खिलाना है अभी आपको। तो भाई अपना पिज्जा आ रहा है यहाँ पे गर्मा गर्म, और भाई पास जाते ही ना हीट भी लग रही है। और ये देखिए भाई पिज्जा आ चुका है, वाह जी वाह, ओए होए 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 भाई, ये तो पूरा क्रिस्पी कर दिया आपने है भैया, क्या जबरदस्त लग रहा है। आप चेक करो पिज्जा की रंगत, चेक करो, गजब भाई। और अब इसको ये कटिंग करेंगे, अजीब वाह, 8 पीस कर दिए। कितने रुपए का है पिज्जा ये? 250 का। तो भाई ये पिज्जा अपना तैयार हो चुका है, अब इसके ऊपर कुछ और भी डालोगे? नहीं भैया ओरिगेनो। अच्छा पहले ओरिगेनो डालोगे, तो भाई ओरिगेनो डालेंगे और पिज्जा तैयार हो चुका है। कस्टमर से भी पूछेंगे भाई कैसा लगता है उनको पिज्जा। ये तीनों दोस्त यहाँ पे आ चुके हैं जो जिन्होंने ये पिज्जा लगवाया था। क्या नाम है आपका? नीरज शर्मा। और आपका? अभिषेक। और आपका? अनुज। भाई ये पिज्जा देखो, पिज्जा देख के मुंह में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल बहुत सारा पानी आ रहा है। तो भाई टेस्ट करो और हमें भी बताओ कैसा है ये पिज्जा। तो भाई सब लेंगे पीस यहाँ पे बढ़िया से। मैं बता दूं हम इस टाइम उदयपुर में हैं और उदयपुर में ये वुड फायर ओवन पिज्जा मिलता है। ये देखिए आप चीज पुल भी कितना जबरदस्त आ रहा है, और वाह जी वाह, गरम होगा एकदम एकदम बहुत गरम और डिलीशियस पिज्जा बना, टेस्टी भी है, मजेदार है, मजेदार क्रिस्पी है, क्रिस्पी है। और आपको, आप कुछ अलग बोलोगे? मेरे को इतना डिलीशियस लग रहा है ये पिज्जा, भैया की बनाने की टेक्निक भी बहुत अच्छी लगी, चारकोल वो वुड फायर का फ्लेवर, स्मोकी फ्लेवर फ्लेवर आ रहा है। तो भाई ये अमेजिंग हो जाता है, अमेजिंग हो जाता है। तो भाई जिसको भी यहाँ पे आना हो, मैं एड्रेस भैया से पूछ लेता हूँ, भैया एड्रेस क्या है यहाँ पे बता दो। ये तो आपने बड़े से करे ना, बॉम्बे मार्केट, हाँ उसके सामने जस्ट, बाकी हम डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस डाल देंगे। इनकी कार्ट में आपको आगे से दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए आप, वुड फायर्ड पिज्जा और पिज्जा एक्सपर्ट के नाम से है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मैं भी पिज्जा का मजा लेता हूँ जैसे इन लोगों को, बहुत टेस्टी लगा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय बाय।